जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं श्रम निरीक्षक, जो छत्तीसगढ़ में भर्ती होने वाली है, जिसका एग्जाम डेट आ गया है 24। पहले ये 18 जून को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसको 24 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस श्रम निरीक्षक के एग्जाम में, पिछले वर्ष जो श्रम निरीक्षक का एग्जाम हुआ था, है ना, पिछले जो भी पिछले वर्ष हुआ होगा, उसमें श्रम निरीक्षक से संबंधित कोई भी विज्ञापन या फिर वो भी सिलेबस नहीं था। इस साल जो श्रम निरीक्षक का पेपर होने वाला है, उसमें 15 अंक का, है ना, श्रम संबंधी जानकारी अधिनियम, योजनाएं, या फिर जो श्रम संबंधित जितने भी जानकारियां होंगी, सिलेबस के अनुसार वो पूछा जाएगा, ठीक है। और वो उसका जो वेटेज है वो 15 नंबर का है, ठीक है। पहले सबको पता है कि जीएस 80 नंबर का था, तो 80 नंबर में से 15 नंबर को काट दिया गया, तो जीएस बच गया 65 नंबर का, और जो श्रम निरीक्षक वाला पार्ट बच गया वो है हमारा 15 नंबर का। तो ये सबके लिए नया है ना, ये स्कोरिंग मार्क्स होता है, हो सकता है जो अच्छे से बनाएगा। तो आज हम उसी श्रम निरीक्षक वाले 15 अंक की तैयारी के लिए आज आज पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये आपके लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन के अंतर्गत, है ना, 1 हफ्ता 10 दिन के अंतर्गत सारा 15 नंबर क्वेश्चन को हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें अधिनियम वाला पार्ट है मेनली, उसके बाद इसकी जो योजनाएं होती है वो पूछा जाएगा। योजना के लिए हम क्या देखेंगे, जो श्रम निरीक्षा जो सॉरी जो श्रम विभाग के द्वारा जो प्रशासकीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ना, उसके साइट में आप जाके देख सकते हैं, उनमें जो योजनाएं दिया गया है और उसमें जो जानकारी दी गई है उसको हम कंप्लीट करेंगे। साथ में जो श्रम निरीक्षक के जो अधिनियम है उसको हम नेट से डाउनलोड करके बता रहे हैं, है ना, और उसको सरल भाषा में बताएंगे। आप चाहो तो नेट से डाउनलोड करके भी पढ़ लीजिए, जिसको आगे यदि अधिनियम या फिर इस प्रकार नियम की शब्दें जिनको समझ आती हैं वो डायरेक्ट वहां से पढ़ सकते हैं। जो जो उसको सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से पूरे फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बस ये होगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि एग्जाम पास है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम करने वाले हैं आज का हमारा क्लास। इसी तरह यदि आप ईडीओ की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास में इस चैनल पर भी ईडीओ के बहुत सारे वीडियोस डल रहे हैं, आप चाहें तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में चलते हैं हम। तो आज का क्लास है श्रम निरीक्षक परीक्षा, बालक श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986। आज हम इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं श्रम से संबंधित है। क्या है आज का अधिनियम का नाम? तो आज के अधिनियम का नाम है बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। ये कब लागू हुआ था, तो इसका डेट यदि पूछा जाए, देखिए अभी तक श्रम संबंधी कोई भी जानकारी नहीं पूछा जा रहा था, तो मेनली हो सकता है कि हाईलाइटेड टॉपिक को पूछा जाए। तो ये जो बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है वो तो कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 23 दिसंबर 1986, ठीक है, 23 दिसंबर 1986 को ये लागू हुआ था। देखिए अब कोई भी अधिनियम बनते हैं तो उसमें धाराएं होती है, पॉइंट्स होते हैं। देखिए मेनली जो हम एग्जाम में पॉइंट लिखते हैं उसी को अधिनियम के संदर्भ में, या भी अधिनियम की भाषा में उसको हम धारा कहते हैं। तो इसमें कितनी धारा है, तो इसमें टोटल 26 धाराएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कितनी धाराएं हैं। और यदि हम भाग की बात करें तो भाग है इसमें 4 भाग, मतलब हम जो पाठ पढ़ते हैं ना, पाठ 1, लेसन 1 2 3, ये सब इसके भाग हैं। उसके बाद जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें अनुसूची की संख्या 1 है। अब सबसे पहले ये मैं बता दूं कि कोई भी जो नियम रहते हैं वो 3 से 4 पेज का रहता है, सीधी सी बात है। उसको समझने के लिए हम पहले भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। पहले किसी भी चीज़ को भाग में बांटा जाता है। भाग का मतलब होता है, हम यहाँ पे पाठ लिख देता हूँ मैं, है ना, पाठ। अब इस पाठ को पूर्ण धारा में बांटा जाता है, धारा में, है ना, जिसको हम पॉइंट वाइज समझ सकते हैं बुक के माध्यम से। और कहीं जैसे लंबा सूची देना हो गया तो उसको अधिनियम में न लिख के एक अलग से पेज में अनुसूची के रूप में दर्शा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे डिटेल्स देना है, क्रमवार 1 2 3 ऐसा करके, है ना, तो उसको हम अनुसूची कहते हैं। ये वाला चैप्टर जब हम संविधान पढ़ा रहे थे उसमें अच्छे से बताया था कि पाठ क्या होता है और अनुसूची क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम जो है वो क्या चीज है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या चीज, देखिए जब भी कोई नियम लाती है सरकार, है ना, चाहे कोई सरकार हो,
उसका किसी ना कोई उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसका मोटो होता है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने के प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने का अधिनियम। सबसे पहले जो क्लिष्ट वर्ड है उसको समझ लीजिए। नियोजन का मतलब है कार्य में लगाना, कार्य में लगाना, ये नियोजन का मतलब है। ठीक है, जैसे हम कहीं काम करते हैं या फिर कोई हमको काम पे लगाता है तो ये हो जाता है नियोजन। ठीक है, बालक, आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे। वैसे बालक का यहाँ पे अर्थ लिया गया है 1 से 14 साल तक, बच्चों को बालक कहा। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब होता है मना, मना करना। और कुछ अन्य नियोजन मतलब कुछ अन्य कार्य के बालकों की विनियमन का मतलब होता है कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर, सॉरी, जो फैन लगता है, सीलिंग फैन, उसमें कंट्रोलर रहता है जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। उसी प्रकार विनियमन का अर्थ होता है कंट्रोल करना। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो जब किसी बालक को काम पे लगाए जाते हैं तो ऐसा काम है जहां उसको लगाया ही नहीं जा सकता है ना। कुछ कुछ बच्चों को है ना, बच्चों को ऐसा भी काम है जहां काम पर लगाना एकदम मनाही है, प्रतिषेध है। वहां किसी भी स्थिति में 1 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता, इसलिए नियम बनाया गया। साथ में कुछ ऐसे जगह हैं जिनको जिन्हें जहां पे बच्चों से काम करवाया जा सकता है, लेकिन वो कैसे? विनियमन के द्वारा, मतलब उसमें कंट्रोलिंग पावर रहेगी शासन की, है ना। एक लिमिट तक काम कराना है, एक लिमिट समय में काम कराना है, और एक लिमिट विषय पर या फिर दुकान धंधे में काम कराना है। सबसे पहले ऐसा है कि कुछ काम तो कराना ही नहीं है, और जहाँ करा रहे हैं वहां पे उसको देखभाल करना है, ये इसका रूल है ना। इसके लिए इस अधिनियम को लाया गया है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब चलते हैं हमारा आगे। देखिए, ये हमारा फोटो आपको दिख रहा होगा, ये बच्चे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने रूल लाया है कि ऐसा ना हो। अब ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि बच्चों को, देखिए बच्चे जो हैं अभी वर्तमान में जो बच्चे हैं वो आने वाले साल के, है ना, आने वाले समय के ये भविष्य है। इसीलिए भविष्य को बचाए रखना, जो बच्चे हैं वो ना बिगड़े, उनको एक उज्जवल भविष्य मिले, उनको उनका मूल अधिकार मिले, इसलिए ये नियम लाया गया है, बालक श्रम अधिनियम 1986। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस बुक के बारे में समझेंगे। तो हम अध्याय एक अध्ययन करेंगे जिसको बोलते हैं भागवत। तो अध्याय एक में क्या है? अध्याय एक में केवल प्रारंभिक बताया गया है। और ये जो लिखा हो ना, एक ये धारा है ना। ठीक है, अध्याय एक में 1 से लेके 2 धारा है। अध्याय एक में 1 से लेके 2 धारा है। तो सबसे पहला धारा क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम का अर्थ है जो ये नियम बनाया गया उसका क्या नाम है, और इसका विस्तार, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस नियम का नाम है बालक श्रम है, इसको अलग कर दीजिएगा। बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। ये सीधे कई बार नाम भी पूछ लेता है ना कि इसका क्या नाम है। हो सकता है यहाँ पे बालक को हटा दिया जाएगा, महिला लिख दिया जाएगा, यहाँ पे सन को चेंज कर दिया जाएगा, कुट भाषा में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ पे, ये जो अधिनियम शासन के द्वारा, जो संसद के द्वारा बनाया गया है वो कहाँ तक विस्तारित है और ये कहाँ कहाँ मान्य है। ये वर्तमान में पूरे संविधान है ना, पूरे भारतवर्ष पर इसका प्रभाव है। पूरे भारतवर्ष में चाहे कोई जिला हो, कोई राज्य हो, सभी जगह इस नियम को यथावत पालन कराया जा रहा है कि बच्चों को अतिरिक्त काम न लिया जाए। अब हम आगे समझते हैं कि आगे वाले में क्या है। परिभाषा है कुछ, देखिए जब भी अधिनियम बनता है ना तो कुछ क्लिष्ट वर्ड के लिए परिभाषाएं पहले से दी जाती हैं। कुछ भी जब जब भी कोई अधिनियम बनता है तो कुछ कुछ क्लिष्ट वर्ड होते हैं, उनको समझाने के लिए जो भी अधिनियम वाला है वो सबसे पहले पेज में बता दिया जाता है कि हम यदि जैसे समुचित सरकार लिखा है, इस वर्ड का उपयोग हम बार बार करेंगे आने वाले अधिनियमों में, सॉरी आने वाले भाग में, आने वाले धाराओं में, सबसे पहले इसका मतलब बता दिया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सब, देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी आता है ना, ये पूछ देगा कि बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में समुचित सरकार का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें पूर्ण में आपको दे दिया जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए।
तो समुचित सरकार से आशा है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण, ठीक है, केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थापन, स्थापन मतलब उसके अधीन कोई कार्यालय, ठीक है, कार्यालय या रेल प्रशासन, महापत्तन का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, रेल का मतलब तो आपको पता है, या किसी खान या तेल, खान मतलब माइंस है, तेल क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकार अभिप्रेत है। जब भी हम समुचित सरकार की बात करेंगे तो केंद्र सरकार उसमें आएगा, राज्य सरकार आएगा, ठीक है, राज्य सरकार आएगा। जब भी हम समुचित सरकार की बात करेंगे तो राज्य सरकार आएगा और केंद्र सरकार आएगा, या फिर केंद्र राज्य सरकार के अधीन जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी समुचित सरकार में गिनी जाएंगी। अब यहाँ बताया गया है कि बालक का अभिप्रेत क्या है, मतलब बालक हम किसको कहेंगे, वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु 14 वर्ष पूरा नहीं किया है। इसका कहने का मतलब है 0 से लेके 14 तक वो बालक ही कहलाएगा, ठीक है। कोई कोई जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, बच्ची हो या बच्चा हो, जब तक वो 14 वर्ष कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, 14 वर्ष, चाहे अगर हम यहाँ बात करें 13 वर्ष ना 11 माह, तब की भी स्थिति में हम उसको बालक ही कहेंगे इस अधिनियम के अनुसार। अगला पॉइंट है स्थापन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कोई दुकान होगा, वाणिज्य होगा, स्थापन होगा, कर्मशाला है, फॉर्म है, आवासीय होटल होगा, उपागृह है, भोजन गृह है, नाट्य गृह है, सार्वजनिक है, ये सब जो स्थान है वो स्थापन के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थापन के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं आता या फिर क्या आता है, तो स्थापन के अंतर्गत दुकान आएगा, वाणिज्य आएगा, ठीक है, स्थापन में कर्मशाला आएगा, फॉर्म आएगा, फार्म, इसको फार्म बोलते हैं, जब मुर्गी फार्म हो गया, कृषि फार्म हो गया, ये सब स्थापन में आएगा, ठीक है। अगला है अधिष्ठाता का मतलब क्या होता है, अधिष्ठाता, ये इसको ध्यान समझिएगा ना, अधिष्ठापक, अधिष्ठाता का अर्थ है के संबंध में कुटुंब, इसको बता लीजिएगा ना, कुटुंब से अभिप्रेत है, कुटुंब मतलब होता है परिवार, परिवार, कोई व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि का पति या पत्नी और उनकी संतान, और ऐसे व्यष्टि का भाई या बहन, स्थापन या कर्मशाला के संबंध में कामकाज का अंतिम नियंत्रण प्राप्त करता है वो अधिष्ठाता कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अधिष्ठाता कहलाता है। आगे देखते हैं कर्मशाला से क्या विपरीत है, तो कर्मशाला किसको कहेंगे, ऐसा परिसर जिसमें कोई औद्योगिक प्रक्रिया की जाती है, ठीक है, कर्मशाला मतलब कार्य करने की शाला या इस जगह, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई परिसर नहीं आएगा जो कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 63 के धारा 67 के उपबंध को लागू करेगा। देखिए सभी कारखाना, सभी कर्मशाला को, हाँ, सभी औद्योगिक परिसर को हम कर्मशाला नहीं कहेंगे, केवल इसको छोड़ के, है ना, 1900 जो अधिन जो कारखाना नियम 1948 है उसमें धारा नंबर 67 और 63 के अंदर कुछ नियम बताए गए हैं कर्मशाला या फिर औद्योगिक के नियम, औद्योगिक के लिए, वो बस नहीं आएगा, बाकी शेष जो है जहाँ पे औद्योगिक प्रक्रिया होती है, जहाँ लोहे बनते हैं, लोहे को पिघलाया जाता है, छोटा काम होता है, छोटा काम जैसे आपका हो गया शोरूम हो गया, है ना, दोना पत्तल वाला काम हो गया, दोना पत्तल, ठीक है, दोना पत्तल हो गया, सीमेंट वर्क हो गया, ठीक है, सीमेंट कारखाना हो गया, और जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वो सब कर्मशाला के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, औद्योगिक क्रिया में आ जाएगा आपका, जैसे पोहा फॉर्म है, जहाँ से पोहा बनता है, बिस्किट जहाँ बनता है, ये सभी कारखाने जो है कर्मशाला के रूप में गिने जाएंगे। भाग दो आते हैं, भाग एक हमने कंप्लीट कर लिया, भाग दो कहा कहा गया है कि कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। सबसे पहले ये समझ लीजिए उपजीविकाओं का मतलब होता है कार्य करने के स्थल, कार्य स्थल, उपजीविकाओं का अर्थ होता है कार्य का स्थल, प्रक्रिया मतलब ऐसे स्थान जहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, जहाँ उत्पादन होता है,
जहाँ कुछ उत्पादन होता है वो प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। देखिए कारखाने दो प्रकार के हो सकते हैं या फिर इंसान दो जगह काम कर सकता है। जैसे ए एक व्यक्ति है ना, ये एक व्यक्ति है, ये एक जगह काम करता है, स्कूल में काम करता है। स्कूल में क्या करता है, ये झाड़ू पोछा करता है, झाड़ू पोछा करता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसका, ये उपजीविका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका, उपजीविका हो जाएगा। उसी विपरीत जो बी व्यक्ति है वो क्या काम करता है, किसी दोना पत्तल या फिर लोहे के प्रगलन, एक मोटा बड़ा बड़ा मान लेते हैं, जैसे बिस्किट फॉर्म हो गया, बिस्किट जहाँ बिस्किट बनता है ना वहाँ काम कर रहा है। तो देखिए ये जो है काम कर रहा है लेकिन वहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, केवल वो झाड़ू पोछा अपना सर्विस दे रहा है। लेकिन बी जहाँ काम करता है वो स्थल में कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, उसे हम कहेंगे प्रक्रिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है, ठीक है ना। तो वो जगह कौन सा हो सकता है, सिंपल कार्य स्थल हो सकता है, और ऐसे स्थल जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे जगहों में बालकों को नियोजन करने, मतलब नियोजन का अर्थ होता है कार्य का, कार्य में लगाना, नियोजन का अर्थ होता है कार्य में लगाना, तो वहाँ कार्य में नहीं लगाया जाएगा, इसका नियम बनाया गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। तो बालकों के कार्य करने पर प्रतिषेध, अनुसूची एक, अब देखिए अब अनुसूची आ गई, उसमें बहुत सारी लिस्ट होगा ना, कौन कौन सा दुकान है, कौन कौन सा फॉर्म है, कौन कौन सा ऐसे प्रोडक्शन कंपनियां हैं या फिर कारखाने हैं जहां बच्चों को काम नहीं करना है, इस प्रकार के लिए एक अनुसूची बना दिया जाता है। अभी हम इसको देखेंगे उस अनुसूची को, उसी को अनुसूची कहा जाता है। तो क्या कहा गया है कि अनुसूची के भाग क अनुसार किसी उपजीविका, मतलब सामान्य जहाँ कार्य होता है जैसे स्कूल, रेलवे स्टेशन जो भी है ना, कार्य में या ऐसी कर्मशाला में जहाँ अनुसूची ख के उपवर्णित, मतलब ख में जो लिखा गया है जगह है ना, या फिर कारखाने का नाम, वहाँ बच्चों को काम करने से मना किया गया है। परंतु ऐसी कार्यशाला जिनमें कोई प्रक्रिया, मतलब जहाँ कुछ निर्माण हो रहा है अधिष्ठाता द्वारा, अधिष्ठाता मतलब नियोक्ता द्वारा, अधिष्ठाता का ये हो सकता है जो काम करने वाला है, अधिष्ठाता मतलब जो काम करने वाला है, अपने परिवार की सहायता करता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि यदि कोई बच्चा अपने ही घर में अगर काम करता है, जैसे किसी के घर में छोटा सा शॉप हो गया, किराना का दुकान हो गया, छोटा मोटा घर में दोना पत्तल हो गया, ऐसे काम कर रहा है अपने ही घर में, तब हम उसको यहाँ से तो तब उसको ना मना नहीं किया जाएगा, वो वहाँ काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका खुद का होना चाहिए छोटा मोटा धंधा, तब वो काम कर सकता है, ठीक है। या सरकार द्वारा स्थापित या सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय, किसी विद्यालय को लागू नहीं। देखिए विद्यालय में भी थोड़ा बहुत कुछ प्रोडक्शन होता है, जहाँ ITI वगैरह हो गया, बड़े बड़े जो प्रैक्टिकल संबंधी जो काम होते हैं वो विद्यालय है ना, वहाँ वहाँ का छूट है, वहाँ काम कर सकता है। लेकिन जो अनुसूची का और गम अनुसूची का और अनुसूची भाग ख में जो लिखा गया, वहाँ बच्चों को काम करना मना ही है। अब देखते हैं अनुसूची में क्या क्या नाम है। अब देखिए ये कार्यस्थल है, यात्री माल या डाक रेल द्वारा परिवहन का कार्य बच्चों के द्वारा नहीं करा जाएगा। यात्री माल मतलब कूली है ना, डाक रेल मतलब डाक से में जो सामान आता है वो बच्चों द्वारा कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है। रेल के परिसरों में सिंडर, सिंडर का मतलब होता है आपका चूना, सॉरी कोयला निकालना, भस्म या गर्द साफ करना, रेल परिसर में होता है ना, जैसे जहाँ पे कोयला वगैरह खाली होता है वहाँ पे साफ ऑफ करना है, तो वहाँ भी बच्चों को काम करने से मना किया गया है। किसी रेल स्टेशन पर खान पान का कार्य है ना, रेल स्टेशन आप देखे होंगे कि बड़ा बड़ा स्टॉल लगा रहता है, वहाँ भी उनको काम करने से मना किया गया। जिसके अंतर्गत क्या क्या है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर गतिमान गाड़ियाँ चल रही है, वहाँ से आना जाना का अगर काम है ना, जैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए तो क्या करना पड़ता है, या तो पटरी पार करना होता है या फिर अभी तो ओवर ब्रिज बन गया होता है, तो वहाँ भी बच्चों को काम नहीं कराना है ना। देखिए सरकार जो है सभी बच्चों पर बहुत गहन नजर रख रही है, सबकी भविष्य की चिंता है, इसलिए ऐसे जगहों पर उनको काम करने से रोका गया है। सरकार का उद्देश्य ये है कि बस बच्चे स्वस्थ रहें और बस पढ़ाई करें और अपना भविष्य बनाए, ठीक है। ऐसे जगह में काम करने पर जैसे रेलगाड़ी जहाँ आ रही है जा रही है, जहाँ जहाँ फुट ऑफ ब्रिज मतलब जो ऊपर का
रेलवे, जैसे मैं यहाँ बना के बता देता हूँ, ये एक रेल हो गया है ना, ये बड़ा सा प्लेटफार्म इधर, यहाँ से यहाँ आने के लिए, या फिर ये एक ब्रिज है, यहाँ ए ब्रिज से बी ब्रिज में आने के लिए बच्चों को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिज बना तो ठीक है, नहीं बना तो रेल क्रॉस करना पड़ेगा, अचानक रेल आके उस बच्चों को ना ठोक दे। इसलिए बच्चों को बचाने के लिए ये नियम लाया गया है कि उनको वहाँ कार्य करने से मना कर दिया गया। रेल स्टेशन के सनिर्माण, जैसे रेल स्टेशन, जैसे रेल, अब बड़ा सा स्टेशन बनाता हूँ मैं, यहाँ कुछ निर्माण काम करना चल रहा है, तो उन जगहों पर भी बच्चों को मना किया गया है कि यहाँ भी बच्चों को कार्य में नहीं लगाया। सख्त आदेश है कि वहाँ लगाया ही नहीं जा सकता, कोई छूट नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ ऐसा कार्य रेल लाइन के निकट या उनके बीच में किया जा रहा है, संबंधित कार्य में बच्चों की सहायता नहीं ली जाएगी, उनको वहाँ कार्य पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर, पत्तन मतलब जो बंदरगाह है, वहाँ कभी भी बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जो कंटेनर उतरते हैं, है ना, हैवी हैवी सामान उतरती हैं पत्तन पे, बंदरगाह में बच्चों को चोट पहुँच सकता है, वो इतने समझदार नहीं है कि उनके लिए क्या सही क्या बुरा है, इसलिए वहाँ भी मना कर दिया गया है। अब देखते हैं अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानें, कुछ दुकानों के पास लाइसेंस नहीं रहती, जैसे पटाखे की दुकान है, उसके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं रहता, समय के अनुसार उनका लाइसेंस चेंज किया जाता है, तो ऐसे स्थानों पर भी बच्चों को काम नहीं कराया जाना है, ठीक है। वधशालाएं, बूचड़खाने, जहाँ पे पशुओं को मारा जाता है, बूचड़खाने हैं, यहाँ भी बच्चों को नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे, जब छोटे बच्चे जब बूचड़खाने में हथियार चलते देखेंगे, तो हो सकता है उनके मन में कुछ भय उत्पन्न हो जाए, है ना, उनके मन में कोई घृणा आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ भी उनके मन में उत्पत्ति ना हो, इसलिए इन जगहों पर मन बंद कर दिया गया। मोटर गाड़ी वर्कशॉप और गैरेज में भी बच्चों से काम लिया जाना उचित नहीं है, ये दंडनीय अपराध होगा इनके अनुसार से। ढलाई का कारखाना, जैसे कोई कारखाना है, जैसे लोहे की ढलाई होता है, और कुछ काम है बड़ा बड़ा हैवी है, वहां बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। विषैले ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, है ना, जहाँ पे उठाई धरे उसको लोड अनलोड किया जाता है, वहाँ भी काम नहीं किया जा सकता। हथकरघा और विद्युत चलित करघा, देखिए करघा का मतलब होता है एक लाइन से चलने वाली, बिजली से चलने वाली एक पट्टेदार मशीन होती है, इसमें बच्चों को काम करने से मना किया गया है उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उनको कोई चोट या हानि ना पहुंचे इसलिए। खाने, भूमिगत यंत्र, खाने का मतलब होता है यहाँ पे माइंस के बाद, माइंस, भूमिगत माइंस या अंतरजलीय माइंस, यहाँ भी मना कर दिया गया है बच्चों को। प्लास्टिक इकाई और फाइबर ग्लास कार्यालय, यहाँ भी मना किया गया है। घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन, कोई भी, जैसे आप देखिए ना, कोई अमीर वाला घर रहता है, जो गांव से गरीब बच्चे लेके आते हैं और उनको अपने घर काम करवाते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, तो ऐसे जगहों पर भी या फिर ऐसे घरों पर भी बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने घर में नौकर के, जैसे कहने का मतलब आपके पास बहुत पैसा है या पैसा हो या ना हो, आप बच्चों को अपने घर नौकरी पर, जैसे घर की साफ सफाई देख रेख उस पर भी आप नहीं रख सकते, है ना, ये दंडनीय अपराध है। ढाबे हो गया, सड़क किनारे खान पान के जो ठिकाने हैं, रेस्तरा है, होटल है, होटल मोटल लिख खत्म, है ना, स्पा है, इस जगहों पर भी बच्चों को काम कराया जाना मना ही है। ये तो हमने देख लिया कि वे ऐसे जगह हैं जहाँ कुछ ना कुछ काम होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रक्रिया वाले जगह हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, जैसे बीड़ी बनाना, यहाँ पे बच्चों को काम नहीं कराना है। कालीन बुनना, यहाँ भी नहीं कराना है। सीमेंट जहाँ प्रोडक्शन होता है वहाँ भी नहीं कराना है। काम रंजन काम हो, दिया सलाई, विस्फोटक जहाँ विनिर्माण होता है वहाँ मना किया गया है। अभ्रक का कांट छांट होगा वहां मना किया गया है। चमड़ा का भी निर्माण होगा मना किया गया है। साबुन निर्माण, चर्म चर्म शोधन, इन सभी जगहों पर बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया। साथ में ऊन साफ करना, चमड़ा बनाना, भवन निर्माण करना, स्टेल पेंसिल है, काजू और काजू के छिलके निकालने वाला काम है, ये इसको भी बच्चों को नहीं करना है। अगरबत्ती बनाने का काम भी बच्चों को नहीं दिया गया है ना। अगर कोई आदमी इनको काम पे लगाता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। यदि वो घर का काम है तब तो मना नहीं किया जाएगा, या छोटे स्तर में, तो बाहर यदि कोई वो नियोक्ता के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसी ठेकेदार के द्वारा काम पे रखा जाता है इन सभी चीज़ों में, तो वो दंडनीय अपराध माना जाता है। जैसे डिटर्जेंट हो गया, रत्नशाला हो गया, जूते कपड़े हो गया, चूना भट्टी, चूना बनाना, ताला बनाना, कांच बनाना, चूड़ी बनाना, ये सब चीज़ें यदि बच्चा काम किया तो जो संबंधित ठेकेदार है, मालिक है, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी।
ये इनका कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं, अब हम चलते हैं धारा चार पर, आज हम धारा पांच तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अनुसूची का समझा, देखिए अभी हमने जितने अनुसूची देखे ना, ये बैग वाला ये अनुसूची है पूरा ना, मैं बता रहा हूँ ये पूरे वन अनुसूची नंबर एक है। इसमें यदि कुछ संशोधन करना, जिसमें बीडी बनाना कालीन, इसमें यदि कोई नया संशोधन करना चाहती है, कुछ जोड़ना चाहती है, कुछ हटाना चाहती है, उसी प्रकार ये जो जहाँ जहाँ कार्य करने के लिए मना किया गया है, इसमें कुछ जोड़ना है या हटाना है, उसके लिए आया है अनुसूची चार, सॉरी अनुच्छेद चार। उसमें कह रहा है कि अनुसूची में जो भी संशोधन करना है वो कौन करेगा, वो केंद्र सरकार करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो ये आप पहली बात इसमें धारा पूछ सकता है कि किस धारा में ऐसा कहा गया है कि उसको संशोधन किया जाए। प्लस पूछा जाएगा कि किसके पास पावर है, ये केंद्र सरकार के पास पावर है कि राज्य सरकार के पास पावर है। तो ये है केंद्र सरकार के पास पावर ना, पूरे भारत देश के लिए नियम बनाएगी केंद्र सरकार, तो सूची में संशोधन करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास निहित है। और वो भी कैसे, केंद्र सरकार नियम बना के उसको राजपत्र में अधिसूचित करेगी, तब उस वो मान्य होगा। और कब होगा, कम से कम 3 महीने पहले सूचना देना होगा, पश्चात ये केंद्र सरकार का नियम लागू होगा। जैसे अभी जहां बच्चा कोई काम कर रहा होगा अचानक, चलिए मैं यहाँ कुछ मान लेता हूँ, जैसे यहाँ चमड़ा बनाना, जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि दोना पत्तल, इसी का पत्तल ले लेते हैं। दोना पत्तल में अभी तक ये अनुसूची में शामिल नहीं था कि यहाँ कार्य करा जाना बच्चों को दंडनीय अपराध है, लेकिन सरकार यदि इसको भी उस अनुसूची में शामिल करना चाहती है कि दोना पत्तल भी बनाना अब गैर कानूनी हो जाएगा बच्चों के माध्यम से, तब क्या करेंगे जो सरकार है वो 3 महीने पहले ये अधिसूचना निकालेगी कि आने वाले 3 महीने बाद ये इलीगल हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक क्योंकि ये सूची में शामिल था नहीं, हो सकता है कोई ना कोई ठेकेदार या किसी के द्वारा वो बच्चों से काम लिया जा रहा होगा, तो अचानक यदि आप नियम चेंज कर दोगे तो किसी के लिए ठीक नहीं है, वो जो ठेकेदार है तुरंत क्या कर लेगा वैसे में, तो फिर वो अंदर हो जाएगा तुरंत नियम लागू होने से। इसलिए 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि ठेकेदार ऐसे कामों में जो बच्चों को नियुक्त किए हैं उसको रिलीफ करे, उसको काम से हटा दे, ताकि कोई भी अड़चन ना आए, इसलिए 3 महीने का समय दिया जाता है। अब समझते हैं धारा नंबर पांच क्या कहता है। बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, ऊपर जो संशोधन होगा है ना, उसके लिए केंद्र सरकार क्या करेगी, एक समिति के एक सलाह देने के लिए एक समिति की गठन करेगी। ठीक है, अभी जो भी संशोधन करना है केंद्र सरकार तो स्वयं कुछ करेगी नहीं, उसके लिए जो अनुभवी लोग हैं है ना, अनुभवी लोग हैं उनका एक समिति गठित किया जाएगा, और वो अपना मत देंगे कि ये चीज़ इसमें जोड़ना है और ये चीज़ इसमें हटाना है। उसके लिए क्या होगा, एक समिति गठित होगी। ठीक है, अब समिति गठित होगी, उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और कम से कम 10, केवल देख एक उसमें होगा अध्यक्ष जिसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे, और 10 होंगे उसमें मेंबर। ठीक है, 10 से अधिक मेंबर नहीं होंगे, और ये कौन मेंबर और कौन अध्यक्ष होंगे, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ही नियुक्त करेगी, एक समिति का गठन करेगी केंद्र सरकार, और कहेगी हमको इसमें इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, आप लोग इसमें छानबीन करके अपना राय देवे, है ना। राय मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य तो नहीं है, लेकिन इसमें केवल सलाह बोला है ना, सलाह देने के लिए इसमें केंद्र सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होगा। यदि ये 10, ये एक और 10 मिलकर यदि कोई नियम बनाते हैं या कोई सलाह देते हैं, तो भारत सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि वो केवल सलाह है। समिति की बैठकें उतनी बार होगी जितना आवश्यक समझा जाए, वो अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये समिति है, और चाहे तो अपना ही एक उप समिति बना, जैसे ये समिति बना ली, अब इनको कुछ विषयों पर डाउट जाता है तो ये अपना एक और उप समिति बना सकती है, ये समिति। ठीक है, चलिए पहले क्या होगा, पांचवें नंबर में जो राज्य सरकार है ना, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक समिति बनाएगी। यदि इस समिति को लगता है कि उप समिति बनना चाहिए, तो यहाँ पे एक उप समिति भी बनाएगी समिति राज्य सरकार ने। राज्य सरकार के मेन समिति बनाएगी, जिसमें एक सदस्य और एक अध्यक्ष होगा और 10 मेंबर। बाकी ये एक अध्यक्ष और 10 मेंबर का आवश्यकता पड़ता है कि एक और समिति बना लिया जाए ताकि काम आसान हो जाए, तो वो समिति बना सकती है। बाकी केंद्र सरकार को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम अगले टॉपिक में या फिर इससे आगे के धारा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पूरा चैनल तो पूरे वीडियो तो आप देख ही होंगे, समझ आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, ठीक है। अभी हमने धारा 5 तक किया है, धारा 6 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।